जांजगीर के चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव की शराब दुकान में दो गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट की नीयत से हत्या की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया था। तीनों आरोपी सिवनी गांव के ही रहने वाले हैं और तीनों एक ही परिवार के हैं। आरोपियों में पति पत्नी और सौतेला बेटा शामिल है और आरोपी का नाम शिवशंकर उर्फ मुन्ना सहिस, कृष्णा सहिस और मंगली सहिस है। पुलिस ने हत्या की इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने में 7,40,000 नंबरों की गतिविधि की जानकारी ली थी, वहीं 386 मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल लिए गए थे। साथ ही 714 मोबाइल नंबर की तस्दीक की गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। लूट की रकम 4500 और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को जब्त किया गया है। आरोपी शिवशंकर सहिस के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है और उससे वारदात के तीसरे दिन पूछताछ हुई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस को उसने गुमराह कर दिया था। आरोपी शिवशंकर उर्फ मुन्ना सहिस ने मंकी नकाब पहनकर वारदात को अंजाम दिया था और टी शर्ट को शमशान घाट से लाकर उसे काटकर टी शर्ट का रूप दिया था। दरअसल 4-5 नवंबर की रात सिवनी गांव की शराब दुकान में वारदात हुई थी। यहां दो गार्ड जयकुमार सूर्यवंशी पिसौद और यदुनंदन पटेल हथनेवरा की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी और यह मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। हत्या की घटना को 2.5 माह होने वाला है और खुलासा नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। इस बीच चांपा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी सिवनी गांव के हैं। पुलिस ने इस मामले के खुलासे में कड़ी मशक्कत की है। पुलिस की बड़ी टीम इस वारदात को सुलझाने के लिए लगी हुई थी और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। लूट की नीयत से हत्या की थी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त टांगी को जब्त किया है। एसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 75 दिनों की कवायद के बाद डबल मर्डर केस में बड़ी सफलता मिली है। साइबर टीम और पुलिस की बड़ी टीम की मदद से हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस ने सिवनी, पिसौद, हथनेवरा, बरबसपुर, गोविंदा कर्रा मोड़ समेत अन्य स्थानों का टावर डंप किया था। पुलिस द्वारा लगातार संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी। सीसीटीवी की बारीकी से जांच करने पर हत्या में सम्मिलित आरोपियों की पहचान सामने आई। फिर हत्या की कड़ी जुड़ती गई और इस वारदात में आरोपी शिवशंकर उर्फ मुन्ना सहिस के सौतेले बेटा कृष्णा सहिस घटना के वक्त शराब दुकान के बाहर था और कुत्तों के भौंकने को रोकने के लिए बिस्किट खिला रहा था और कुत्तों को शराब दुकान परिसर से बाहर ले गया था। आरोपी ने घटना के एक हफ्ते पहले शराब दुकान जाकर अवलोकन किया था और लूट की नीयत से पहुंचे आरोपी शिवशंकर सहिस उर्फ मुन्ना ने जागने के डर से दोनों गार्डों की हत्या कर दी थी। दिनांक 4-5 नवंबर की दरमियानी रात में घटना हुई थी, जिसमें चांपा स्थित सिवनी के ग्राम सिवनी के दारू भट्टी में दो गार्ड की हत्या हुई थी और दोनों हत्या बड़े जघन्य तरीके से की गई थी। पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी, एफएसएल लाया और उसके अलावा फिंगरप्रिंट की टीम भी पहुंची हुई थी और घटना के निरीक्षण के उपरांत एक बड़ी टीम का गठन किया गया था और पूरी टीम जो है चुनाव के दौरान वीआईपी ड्यूटी के दौरान भी लगातार लगी रही। उसमें साइबर की टीम भी थी, बाहर के भी साइबर एक्सपर्ट्स का इसमें मदद लिया गया और अंततः उसी गांव के एक बदमाश जिसकी गतिविधियां रात में काफ़ी संदिग्ध थी उस पर ध्यान केंद्रित किया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना के विषय में बताया और घटना के समय जो नकाब पहना हुआ था, वो टी शर्ट पहना हुआ था, जो हथियार उसने यूज़ किया था, सारी चीज़ें जब्त हुई है। उसके पास से 4,500 रुपये की भी जब्ती हुई है और इस व्यक्ति का पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकरण में लगभग 100 से अधिक लोगों से पूछताछ होकर उनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिया गया है और एक बड़ा एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें आसपास के जितने टायर दुकान है, जितने भी ऑटोमोबाइल की दुकान है, जितने ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उसके अलावा उधर जो घुमंतू लोग हैं कोरबा तक हम लोगों ने इसमें सर्च किया था। उसके अलावा उस समय जितने भी लोग होटल लॉज में रुके हुए थे आसपास के स्थलों में, उन सब का भी अवलोकन किया गया था और उनके विषय में डेटा जुटा के उनका डिटेल निकाला गया था। बाहर के प्रांतों के भी जो लोग कुछ रुके थे उसके लिए बाहर के थाना प्रभारियों से बात करके उनका एंटीसीडेंट मंगाया गया था। तो एक बहुत व्यापक कार्रवाई हुई थी और लगभग 75 दिन इसमें लग गए, लेकिन आरोपी अंततः मिल ही गए। ये पूरी घटना लूट की नीयत से ही की गई थी, परंतु दोनों गार्ड जहाँ पे अंग्रेजी शराब भट्टी उसके ठीक सामने सोते थे, इनको भय ये था कि अगर इनको मारे बिना अगर अंदर जाएंगे तो हो सकता है जग जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे, तो लिहाजा उन्होंने पहले उनको ख़त्म किया, उसके बाद फिर जाके लूट की घटना कारित की।
आरोपी स्थानीय सिवनी के ही रहने वाले हैं और वो साफ सफाई का काम करते हैं और वो शराब भी पीते हैं, इसलिए लिहाजा वो भट्टी भी आते थे, उनको भट्टी का लोकेशन पूरा पता था और फिर उन्होंने वो घटना कारित की।